हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग में। चलिए शुरू करते हैं आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपका फर्स्ट ईयर में, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है इस समय, उनका कॉमन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका कॉमन सब्जेक्ट है, यूपी और उत्तराखंड में आपका सेम सिलेबस है उसका। हम आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का ये क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन आपका 2019 यूपी में आया था। ये क्वेश्चन कब आया था आपका? 2019 यूपी में आया था। उसका प्रीवियस ईयर पेपर से हमने ये क्वेश्चन आपका लिया है, ठीक है। जो बच्चे यानी कि डिप्लोमा कर रहे हैं, आपका ऑल ब्रांच कॉमन सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, यूपी और उत्तराखंड में सेम है, ठीक। उसको क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, ठीक है। इसको प्ले स्टोर से उतार कर आप डाउनलोड करके हमारे कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं ऑल ब्रांच पॉलिटेक्निक, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम उनका चल रहा है इस समय, तो आपका जो इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का इस समय हमारी ऐप पर टॉपिक चल रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही चल रहा है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग आप यूपी से कर रहे हो या इंजीनियरिंग ग्राफिक फर्स्ट नाम है उत्तराखंड में, ठीक है। दोनों का आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का इस समय टॉपिक चल रहा है, ये हम आपको यूट्यूब पर ही अवेलेबल कराएंगे। और जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उनके पास सेकंड ईयर में बिल्डिंग ड्रॉइंग है, यानी कि सेकंड ईयर बिल्डिंग ड्रॉइंग थर्ड सेम में है, और थर्ड ईयर में वेस्ट वाटर एंड इरीगेशन इंजीनियरिंग ड्रॉइंग है थर्ड ईयर में, यानी कि फिफ्थ सेम में, ठीक है। उनका पेड कोर्स है 199 का, यानी कि 199 रुपीज का आपका पेड कोर्स है। इसकी वैलिडिटी आपकी तब तक रहेगी जब तक आपके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। और ये कोर्स आपका लगभग हम 20 दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे, फिर उसके बाद आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे और जो थ्योरी है वो थ्योरी कराएंगे। अभी फिलहाल में हम इसमें आपकी सारी ड्रॉइंग्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का जो ये क्वेश्चन 2019 में आया था ये कैसा था और किस प्रकार से हमें इसको करना चाहिए था। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप सिविल सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, या आप ऑल ब्रांच किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का आप कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं, और उत्तराखंड वाले बच्चे भी हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आपका ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट वैन, ठीक है। आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्रॉ करके दिखाने, यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट कौन कौन से दिए गए? ए नंबर ए पॉइंट पी इज 80 mm अबाउट द एचपी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किस प्रकार से करना चाहिए। यहां पर आपको एक क्वाड्रेंट बना लेना है, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। ये लाइन जो होती है ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षैतिज तल, ये होता है आपका वर्टिकल प्लेन यानी कि ऊर्ध्वाधर तल, ठीक। अब उसने इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि ये कौन से उसमें पड़ रहा है। देखो ये होता है आपका एचपी से ऊपर, अबाव अबाव द एचपी, ये होता है एचपी के ऊपर, ये होता है इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि इसको बोलते हैं फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ वीपी, ये इन फ्रंट ऑफ वीपी अबाव द एचपी, ठीक है। ये एचपी के ऊपर है वीपी, तो ये किस में आता है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम इस साइड में बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन बनती है, सेकंड में बनती है अबाउट द एचपी, सेकंड में भी अबाउट द एचपी होगा, ठीक है, सेकंड में भी अबाउट द एचपी होगा, ठीक। और मगर क्या होगा? बिहाइंड द बीपी, बिहाइंड बीपी, बीपी के पीछे ये कंडीशन बनती है। अगर हम थर्ड में आए, थर्ड में क्या कंडीशन बनती है? थर्ड में बनती है बिलो द एचपी, ये क्या है? बिलो, बिलो द एचपी, एचपी के नीचे, और क्या होगा? बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी, वीपी के पीछे ये कंडीशन बनती है, किसमें? थर्ड में। अगर हम आए फोर्थ में, फोर्थ में क्या होता है? बिलो द एचपी, बिलो एचपी, एचपी के नीचे, ठीक है, बट क्या बनती है? इन फ्रंट ऑफ वीपी, क्या होता है? फ्रंट वीपी, तो ये बनती है फोर्थ क्वाड्रेंट में कंडीशन। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको जो ये है ये याद कर लेना है आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन बन रही है। फर्स्ट में बनती है अबाव और फ्रंट, फर्स्ट में अबाव और फ्रंट याद रखना है आपको, सेकंड में आपको रखना है अबाव और बिहाइंड, अबाव और बिहाइंड, अबाव द एचपी बिहाइंड द वीपी, ये याद रखना है। थर्ड में रखना है बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी, ये याद रखना है, बिलो द एचपी बिहाइंड द वीपी। फोर्थ में आपको याद रखना है इन फ्रंट, फ्रंट ऑफ वीपी बिलो द एचपी, फ्रंट ऑफ वीपी बिलो द एचपी, ये रखना है आपको फोर्थ में याद। अब कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, बोला गया है ए पॉइंट पी, कौन सा पॉइंट दिया गया है? पी इज 80 mm अबाव, 80 mm अबाव एचपी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, फ्रंट ऑफ वीपी
और अबाउ एचपी, फ्रंट ऑफ वीपी और अबाउ एचपी किसमें पड़ रहा है? फर्स्ट एंगल में। फ्रंट ऑफ वीपी अबाउ एचपी किसमें पड़ रहा है? फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल की मैं कंडीशन यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरा क्या है एचपी और ये मेरा क्या है वीपी, यही है ना। अब उसने क्या कहा, जो पॉइंट पी है 80 mm ऊपर है, ऊपर है किसके, एचपी के, एचपी के 80 mm ऊपर गई ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है 80 mm ऊपर है, कितना 80 mm, 80 mm ऊपर है, वही तो कहा अबाउ द एचपी, 80 mm ऊपर है किसके, एचपी के, एचपी से 80 mm ऊपर है ये पॉइंट, एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, बीपी के फ्रंट, बीपी के फ्रंट पर कितना 50 mm, 50 mm सामने है वीपी के, ये कहा गया है इस पॉइंट के बारे में, ये पॉइंट था। अब आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो वीपी होता है वो होता है फिक्स, वीपी में जो भी आ जाएगी डायमेंशन वो फिक्स रहेगी, हिलेगी नहीं। बट एचपी क्या होता है, एचपी मूव करता है, एचपी मूव करता है कैसे, 90 डिग्री, क्या क्लॉक वाइज। अब देखो जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा, मैं देख रहा हूं इसको फ्रंट से, फ्रंट से देखने पर 80 mm मुझे कहां दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट किस पर, वीपी पर, तो ये पॉइंट है और ये 80 mm ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे किस पर, 80 mm ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे किस पर, वीपी में 80 mm, जब इसको मैं फ्रंट से देख रहा हूं तो मुझे कहां दिखाई दे रहा है 80 mm ऊपर दिखाई दे रहा है वीपी पर, और जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं, जब मैं इसको टॉप से देख रहा हूं कहां से, टॉप से, तो 50 mm नीचे दिखाई दे रहा है मुझे, ये पॉइंट नीचे दिखाई दे रहा है 50 mm मुझे, ये पॉइंट किस पर, इस पर दिखाई दे रहा है एचपी पर, ये 50 mm नीचे दिखाई दे रहा है पॉइंट मुझे एचपी पर, ठीक। देखो अब वीपी में 80 mm तो फिक्स हो गया भाई, बट क्या होगा, वीपी में 80 mm तो फिक्स हो गया, बट क्या होगा एचपी में जो 50 mm है ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 90 डिग्री, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और 90 डिग्री, और कहां आ जाएगी ये लाइन, ये यहां आ जाएगी, और इस पर आप कितना चलोगे, नीचे कितना आया 50 mm, ये पॉइंट है 50 mm, यहां से लेके यहां तक कितना 50 mm, ये पॉइंट। अब देखो नीचे क्या आ गया आपका एचपी, ऊपर क्या है आपका वीपी। देखो जब भी कोई डायमेंशन वीपी में शो होगी तो वो पॉइंट हम डैश से शो करते हैं, तो हम इसको पी डैश से शो करेंगे और इसको हम करेंगे विदाउट डैश से शो, ठीक। तो ये कंडीशन बनती है आपकी फर्स्ट पॉइंट में। तो मैं कैसे दिखा सकता हूं, तो मैं दिखा सकता हूं यहां पर मैं स्केल को सेट करूंगा और एक रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ की, ये एक एक्स वाई रेफरेंस लाइन है जिसमें ऊपर क्या है वीपी, ऊपर क्या है वीपी और नीचे क्या आया एचपी, नीचे क्या आया एचपी। अब मैं क्या चला 80 mm वीपी में चला, मैं 80 mm चला मैं वीपी में, और 50 mm किसमें चला मैं एचपी में, 50 mm चला मैं एचपी में, जब मुझे क्या प्राप्त हुआ ये पॉइंट प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये कितना है 80 mm, 80 mm, और ये कितना है 50 mm, ये कितना है 50 mm, ये है आपका 50 mm, यानी कि वीपी में क्या होता है डैश शो करते हैं हम, और एचपी में क्या करते हैं विदाउट डैश शो करते हैं, ये है पॉइंट वन, वन के बारे में जो बात की गई थी, ठीक है। आया ये समझ में, तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे इसको, हम ड्रॉ करेंगे इसको ऐसे। अब चलिए हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ए पॉइंट क्यू, अब कोई पॉइंट क्यू दिया गया है इज 70 mm बिलो द एचपी एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिलो और बिलो द एचपी फ्रंट ऑफ वीपी, देखो बिलो द एचपी, बिलो द एचपी फ्रंट ऑफ वीपी किसमें पड़ रहा है फोर्थ में, बिलो द एचपी फ्रंट ऑफ वीपी किसमें पड़ रहा है फोर्थ में, तो कंडीशन क्या बन गई फोर्थ की, तो मैं यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट का ही सिंबल बना लेता हूं, तो ये मेरा क्या है एचपी और ये मेरा क्या है वीपी। अब देखो इसमें क्या बोला गया, जो क्यू पॉइंट है 70 mm नीचे है किसके एचपी के, 70 mm नीचे है किसके एचपी के, एचपी के 70 mm नीचे है, तो एचपी से 70 mm नीचे मैं यहां पर आया भाई, कहां आया 70 mm नीचे मैं यहां पर आया, तो ये पॉइंट है जो है ये एचपी से 70 mm नीचे है, उसने बोला गया है बिलो है 70 mm बिलो एचपी, तो 70 mm बिलो एचपी हो गया,
बट उसने क्या कहा, एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 50 mm है फ्रंट ऑफ वीपी के, वीपी से कितना सामने है, इन फ्रंट ऑफ वीपी है, वीपी के सामने कितना 50 mm, 50 mm ये कंडीशन बन गई। अब जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा तो मुझे ये 70 mm कहाँ दिखाई देगा, वीपी में। 70 mm कहाँ दिखाई दिया आपको, वीपी में दिखाई दिया, 70 mm नीचे ये पॉइंट यहां पर, ये कितना है 70 mm, 70 mm। और जब आप इसको टॉप से देख रहे हो, जब आप इसको टॉप से देख रहे हो तो ये 50 mm आपको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ 50 mm ये दिखाई देगा, किसमें, एचपी में, कि 50 mm एचपी में दिखाई देगा ये पॉइंट। तो अब आप जानते हैं वीपी क्या होता है, फिक्स होता है, बट एचपी क्या करता है, मूव करता है, एचपी क्या करता है, मूव करता है 90 डिग्री क्लॉक वाइज। अब क्या करेंगे आप इसको 90 डिग्री, जब ये मूव करेगा तो आप कहाँ आ जाएंगे, यहां पर आए, यहां पर आए तो ये 50 mm कहाँ आ जाएगा, पॉइंट 50 mm कहीं यहां पर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी कितनी, 50 mm। ठीक है, तो वीपी में जो आया 70 mm, यहां पर क्या दिखाएंगे, डैश, तो ये आपका है क्यू डैश और ये होता है विदाउट क्यू। ठीक, तो कंडीशन क्या बनी आपकी, यहां पर आइए आप, यहां पर आए और ये है आपकी रिफरेंस लाइन। ठीक, दोनों क्या है, एचपी और वीपी क्या है, नीचे, एचपी और वीपी दोनों क्या है, नीचे। कितना चलेंगे आप, सबसे पहले 70 mm, तो आप चले यहां से 70 mm, 70 mm पर पॉइंट मार्क किया, ये कितना है 70 mm, यानी कि 70 mm, 70 mm, और ये किसमें शो हो रहा है, 70 mm ये शो हो रहा है वीपी में, तो यानी कि इसको हम क्या दिखा देंगे, क्यू डैश, डैश से शो कर देंगे। फिर आपको चलना है 50 mm, 50 mm को पॉइंट मार्क किया और इसको शो किया, ये है 50 mm, कितना 50 mm ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका विदाउट क्यू। ठीक, तो आपका ये कौन सा था, सेकंड पॉइंट था। तो ये कंडीशन बनती है हमारी, ये कंडीशन बनती है इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इसकी कर लोगे ये आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के क्वेश्चन, कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के। इसके बाद हम आप स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे आपको, किसमें, हमारे जो कोर्स चल रहा है उसमें हम आपको स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, आप हमारे कोर्स को ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वहां पर हम आपको कंप्लीट आपका कोर्स कराएंगे और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हम वहां पर आपको कंप्लीट कराएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।